से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भारत ने जीत हासिल कर ली है 7 विकेट से, भारत को यह जीत मिली है, और एक तरह से कहा जाए तो भारत ने अपने अंतिम लीग मैच में इस वर्ल्ड कप के श्रीलंका को रौंद दिया है। 265 रनों का लक्ष्य था और इस लक्ष्य को हासिल करने में लगे 43 ओवर और 3 गेंद। रोहित शर्मा ने शतक बनाया, एक वर्ल्ड कप में 5 शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सारे वर्ल्ड कप्स को मिला भी दें तो सबसे अधिक कुल मिलाकर जो शतक हैं वो उनके नाम पर ही हैं। अभी एक साल के भीतर सबसे अधिक शतक बनाने का रिकॉर्ड अब रोहित शर्मा के पास। समझिए कि किस तरीके से इस बल्लेबाज का दबदबा रहा है, जिसने आज 94 गेंदों में 103 रन बनाए हैं, 14 चौके 2 छक्के लगाकर। जबरदस्त फॉर्म में रोहित शर्मा लगातार चल रहे हैं, और केएल राहुल जो उनका साथ दे रहे थे उन्होंने भी 1 शतक अपना पूरा किया। देखिए इस वर्ल्ड कप में सबसे आगे रनों के मामले में 647 के साथ रोहित शर्मा हो गए हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो नंबर 3 पर किसी भी एक एडिशन में किसी वर्ल्ड कप के रन बनाने के मामले में। और रोहित शर्मा के पास अभी मौके बाकी हैं, अभी सेमीफाइनल मैच है, वहां से आगे बढ़ते हैं तो फाइनल का मैच भी है, यानी मुमकिन है रोहित शर्मा रिकॉर्ड की किताबों के पहले पन्ने में अपना नाम हर मामले में दर्ज कर लेंगे। रोहित का मैच पूरी तरीके से कहेंगे। वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, अगर देखेंगे तो उन्होंने बिल्कुल एकदम पॉजिटिवली खेला और रन बनाने की कोशिश की, और जब भी विकेट पे आए वो अच्छा स्कोर करे, और तो मैं समझता हूँ कि प्रोलिफिक रन मेकिंग है, और मैंने समझता हूँ कि ये रिकॉर्ड इतना जल्दी टूट सकेगा, क्योंकि 500 मारना मेरे ख्याल में 8-9 मैचेस में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, एक समय लगता था कि सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स को कौन तोड़ेगा, देखिए विराट कोहली और रोहित शर्मा में रेस लगी हुई है। देखिए रिकॉर्ड तो टूटने के लिए बने हैं, पर ऐसा लगता नहीं था कि सचिन का कोई रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, पर जैसे इन्होंने रोहित शर्मा ने और बैटिंग की है, मैं समझ कमाल है, मैं इसकी बैटिंग जब देखते होते हैं तो ऐसा लगता है कि बैट से बॉल निकलेगा ही नहीं, और उसके बैट में हर बॉल उसके बैट में जो मिडल में आता है, और इतना अच्छा मैं समझता कि मैंने कभी कम प्लेयरों को देखा खेलते हुए, और बड़े आराम से कूल अपना अपना रन बना के निकल जाते हैं, और ये इसकी बेस्ट फॉर्म होगी मेरे ख्याल 500 जो है, और बेस्ट फॉर्म हाँ अभी अभी इनके पास 2 मैचेस पड़े हैं, हम आशा करते हैं कि ये उसमें भी 100 बनाए, क्योंकि वो भी एक ऐसे मैचेस पर कमाल है इस खिलाड़ी की, जो इसने जैसे उसने 100 बनाया है देखने का भी बहुत मजा आता है इसको बैटिंग करते हुए। अब विक्रांत गुप्ता लीड्स में इस समय हैं, चारों तरफ से फैंस से घिरे हुए हैं, विक्रांत जिस तरह की उम्मीदें सब कर रहे थे, हालांकि बहुत आगे तक की उम्मीदें थी, लेकिन रोहित शर्मा की जिस तरह की बल्लेबाजी रही है, विक्रांत क्या कह रहे हैं वहां पर फैंस? अमेजिंग, अरे अमेजिंग, श्वेता नारा इन्होंने सुबह ही लगा दिया था, अभी थोड़े से ठंडे क्योंकि अंदर ठंड थी ना, तो ठंड से ऐसे होके आए हैं। नहीं हो सकते, ये तो दिल 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 से भी ज्यादा प्यारा है। इंडिया 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 के बारे में कभी ठंडा हो ही नहीं सकते। नहीं, लेकिन मैं श्वेता ये पूछ रही कि अंदर आप नारा क्या लगा रहे थे? रोहित शर्मा के रन है, केएल राहुल के रन है, भारत जीत गया, एक ही नारा था। नहीं, हमारा एक ही नारा था, मेरे देश की धरती सोना उखले हीरे मोती, वो आज हम सक्सेस हो गया हमारा। तो हमारे घर की है। अच्छा, आपके घर की? हाँ, हमारे घर के रहने वाली है। अच्छा, हाँ, छपड़ा के। कर लीजिए बात, और काफी अच्छा लगा, और बस हम 2 कदम दूर हैं, हम यहाँ से विजेता बन के जाएंगे। जैसे सुबह हमने बोला था रोहित शर्मा सेंचुरी मारेगा और संकारा का रिकॉर्ड तोड़ेगा, सो वो टूट गया। नहीं, और दूसरी बात श्वेता ये है, वैसे जितने यहाँ पे देखिए इंडियन जितने फैंस है ना, वो 2 मैच देख रहे थे, एक तो ये वाला मुकाबला और एक सबकी नजर है वो जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला चल रहा है, क्योंकि हर कोई अब यही चाहता है कि न्यूजीलैंड सामने आए, तो शायद आपका ये नतीजा तो आपके फेवर में गया ही गया, तो दूसरा नतीजा है वो भी फेवर में जा सकता है। ये हमारा यार, ये भी लेकिन एक दिलचस्प, ये भी बड़ी दिलचस्प चीज हो सकती है कि भारत को सेमीफाइनल अब न्यूजीलैंड मिले रादर देन इंग्लैंड। जी, लगी रहा है कि 325 बना लिए जब साउथ अफ्रीका ने, तो बहुत ही मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया के लिए जीतना, पर हमारे लिए वो बेहतर होगा कि हम न्यूजीलैंड के साथ खेलें। न्यूजीलैंड के साथ करंट फॉर्म देखते हुए हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम न्यूजीलैंड को पहले हराएं, उसके बाद फिर इंग्लैंड। लो जी लो, न्यूजीलैंड को भी अभी से इन्होंने हराना शुरू कर दिया है, न्यूजीलैंड आ तो जाए पहले। देखिए इंडिया टू श्रीलंका झंडा, देखिए श्रीलंका के फैन है श्वेता और इनके पास है तिरंगा झंडा। डिड यू एंजॉय द गेम? ऑफ कोर्स आई एंजॉयड। रोहित शर्मा, केएल राहुल,
Do you think India can win this World Cup? Of course, India will win. Huh? Yeah. So Sri Lanka ki fan jo hai wo support mil gayi hai India ko. Ye bhi to inke liye taaliyan ho jaye yaar, inki team acha khel rahi hai. Sahi mein, sahi mein. Hai na? Aur dekhiye sportsman spirit hai. Kam se kam ye to nahi keh rahe ki cheating hui hai, match fix ho gaya hai. Bilkul bhi. Shweta dekhiye. Haan? Inke liye hip hip. Hurray! Wo dekhiye. Himanshu, aap ye sara crowd dikhaiye. लोग अभी श्वेता मैदान से बाहर निकलना सिर्फ शुरू हुए हैं, अभी आप देखिए किस तरह यहां पर माहौल बनेगा, क्योंकि मेरे ख्याल सारा स्टेडियम इंडियन फैंस का ही था, सारा स्टेडियम इंडियन फैंस का ही था। मजा तो बड़ा आया यार, लेकिन अब वो हर कोई वो दिल की धड़कनें भी तो तेज हो रही होंगी ना कि अब दो मैच और जीतने। बस आई थिंक अब इंडिया ऑलमोस्ट पहुंच ही गई है, बस अभी खाली सेमीफाइनल फाइनल रह गया और ये वर्ल्ड कप बिल्कुल इंडिया का होने वाला है। जिस तरह इंडिया परफॉर्म कर रही है, जिस तरह रोहित शर्मा खेल रहा है, जिस तरह पूरी टीम इंडिया खेल रही है, डेफिनेटली हम इंडिया वही तो इंडिया को किसी से प्रॉब्लम नहीं है, वो फाइनल में तो आएगी चाहे वो न्यूजीलैंड। छोटी सी बच्ची सुबह याद है श्वेता, ये सुबह भी थी। और श्वेता जी आपको प्लीज लॉट्स में आना है, टिकट स्पॉन्सर्ड फ्रॉम अस फ्रॉम कुछ श्वेता का टिकट स्पॉन्सर होगी आपकी फटाफट से, उसको आप इनकार मत कीजिए, लॉट्स आना है। लेकिन लॉट्स से पहले अब वही थोड़ी देर बाद आप देखेंगी शायद 3-3.5 घंटे बाद कि भारत को मैनचेस्टर जाना है या बर्मिंघम जाना है। ये देखिए फैंस और आ रहे हैं अभी अंदर से, मैनचेस्टर ही जाएंगे। हिमांशु जा रहे हैं मैदान की तरफ, लेकिन जबरदस्त खेल है श्वेता जो इंडिया ने खेला आज। यहाँ पर देखिए एक एक फैन के चेहरे पे खुशी तकरीबन हर मैदान में, एक एबरेशन जरूर हुई इंग्लैंड से भारत हारा, लेकिन उसके बाद से देखिए लगातार टनाटन क्रिकेट चल रही है जी। और वाकई ये उत्साह सबका दिख रहा है वहां पर। हरभजन सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरभजन, जिस तरीके से भारत ने रौंदा है श्रीलंका को, इससे हम इतना कह सकते हैं कि इससे बेहतर जीत नहीं हो सकती थी सेमीफाइनल में जाने से पहले। और अभी तो इंतजार कर लें कि 200 जिस तरीके से अभी 33 रन पर ऑस्ट्रेलिया के दो विकेट गिर गए, 325 का पीछा करते हुए, 326 का पीछा करते हुए दो विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिर गए हैं, यानी यह मुमकिन है कि भारत न्यूजीलैंड से भी खेले सेमीफाइनल में। जी हाँ बिल्कुल श्वेता, ये तो आज जैसा हमने कहा था कि ब्रेक के टाइम पे मैंने कहा था कि केएल राहुल के बल्ले से शतक आना चाहिए और उसके बल्ले से शतक आया, और मैंने बात की थी अगर पांचवां शतक रोहित शर्मा बना देते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। तो आज दोनों चीज़ें जो है वो बड़ी अच्छी हो गई, और ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी बड़ी हो जाए तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है। तो इंडियन टीम की तारीफ करनी होगी दोनों ओपनर्स की, जिस लिहाज से उन्होंने आज क्रिकेट खेली है, और जो टारगेट है पता ही नहीं चलने दिया कि अगर वो 265 रन थे या 300 रन होते तो भी पता नहीं चलता, क्योंकि जिस लिहाज से बैटिंग हुई है कमाल की बैटिंग की है दोनों ने, और यही होता है जब ऊपर से पार्टनरशिप लगती है। और वैसे आपकी बात सही है कि उधर तो मैच हम जीत ही रहे थे, पर साथ साथ हमने नज़रें यहाँ भी बिठा रखी थी कि क्या होगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, क्या हम मैनचेस्टर जाएंगे या बर्मिंघम जाएंगे। मुझे लगता है हम मैनचेस्टर जाएंगे, क्योंकि आज साउथ अफ्रीका ने ठीक ठाक बैटिंग की है और अभी दो आउट भी कर दिए हैं, तो पलड़ा जो साउथ अफ्रीका का बारी है, मुझे लगता है मैनचेस्टर जाएंगे। पहला सेमीफाइनल जो होगा वो भारत का होगा और न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा, यही हम चाहते भी थे जी। मैनचेस्टर तो जाएंगे, लेकिन अभी वापस लीड्स चलते हैं क्योंकि फैंस का उत्साह वहां पर विक्रांत के साथ कम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। विक्रांत, वर्ल्ड रिकॉर्ड बिकॉज ओनली 4 सेंचुरीज मेड, देखिए सचिन तेंदुलकर एंड कुमार संगकारा, 4 सेंचुरी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड कप। वाह जी वाह, ये तो कह रहे 500 हुए रोहित यार, ये बताइए रोहित के तो भी 500 हुए, दो और आ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल आएंगे सर, लॉज में खेलेंगे फाइनल, लॉज में तो फाइनल खेलेंगे, बिल्कुल 100 और आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। बैट्सर 500 बना देगा? नहीं सर, बिल्कुल बनाएगा। आप देखिए क्वालिटी देखिए इंडियन टीम की, प्लीज क्वालिटी ऑफ गेम, क्वालिटी ऑफ गेम। आप तो बड़ा फैशनेबल बन के आए हुए हैं। यस सर, इंडिया जीतेगा, यस बहुत एंजॉय किया सर, इंडिया जीतेगा वर्ल्ड कप। फैंस थे आपके साथ? बहुत कम थे सर, पूरे इंडिया के थे, लंका का भी एक फैन आए थे, बहुत कम थे, बहुत शानदार खेला, इंडिया बहुत अच्छा खेला, श्रीलंका के बहुत फैन कम थे सर। इंडिया प्लेड लाइक चैंपियंस, इंडिया चैंपियन है और चैंपियन ही रहेगा, इंडिया चैंपियन है और चैंपियन ही रहेगा। लोग देखिए श्वेता जफियां यहाँ पर भी शुरू हो गई हैं, हिमांशु उधर भी देखिए, हर तरफ से आपको यही दिखेगा इंडिया जश्न मना रहा है। ये
कह रही है कि इंडिया ही चश्मा आ रहा है, पर ये तकरीबन हर मैदान में यही चीज हुई है। हर मैदान में हम ही लोग जीतेंगे, इस बार वापस जाएगा वर्ल्ड कप। इंडिया टॉप ऑफ द लीग, इंडिया टॉप ऑफ द लीग, इंडिया इंडिया टॉप ऑफ द लीग, इंडिया जय हिंद। वर्ल्ड कप हमारा है, वर्ल्ड कप हमारा है, वर्ल्ड कप हमारा है। आप कहाँ से आए सर ये? हम बिहार से आए। अरे बिहार से आए हैं, बिहार सहरसा। अभी श्वेता फैंस निकलने शुरू हुए हैं वैसे मैदान से, थोड़ी देर बाद नजर आइए क्या होगा। और हर कोई ना सिर्फ आपकी जीत की बात कर रहे हैं, जो आपने बताया ना, सब कह रहे दो उधर भी आउट हो गए, दोनों मैच चल रहे हैं, एक तो उधर वाले मैच में भी तो नजर है ना सबकी। उधर साउथ अफ्रीका जीतेगा, इंडिया वन द मैच, इंडिया का वन द मैच, इंडिया जीता हो गया और क्या चाहिए, और कोई जीते। इंडिया वर्ल्ड कप लेके आएगा, ये हमारी उम्मीद है, कामना भी है, और 100% जीत के लाएगा। 10% इंडिया वर्ल्ड कप लेके आएगा। जी भाई साहब, अरे भाई साहब आए, जी जी बताइए बताइए। इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप डेफिनेटली। वो तो सब भी कह रहे थे, कोई नई चीज बताइए। नई चीज हम जीतेंगे, नई चीज क्या है ये तो? अच्छा, मतलब वो नई पुरानी सब इंडिया, नई चीज ये है कि रोहित शर्मा सातवीं सेंचुरी मार के वर्ल्ड कप जीतेंगे। ये नई चीज ये है कि रोहित शर्मा 700 बनाएंगे, 700 इंडिया में रचेंगे वर्ल्ड कप में, पहली बार ये इतिहास रचा जाएगा। जो भी वर्ल्ड कप हुई है कि रोहित शर्मा ग्रेट बैट्समैन इन इंडिया एंड वर्ल्ड, ओनली स्कोर्ड 5 सेंचुरी ऑलरेडी ऑलरेडी। हरभजन, वो सोचें या ना सोचें कि वो शतक बना रहे हैं या नहीं, रोहित शर्मा आते हैं और रन बनाना शुरू करते हैं तो हर फैन तो ये सोचने लगता है, 100 के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, 200 के बारे में सोचता है। और जब रोहित शर्मा आउट होने के बाद वैसा एक्सप्रेशन देते हैं ना चेहरे पे, जैसे कि शायद 30 रन पर आउट होकर जा रहे हो, वो भी अपने आप में बहुत दिलचस्प होता है। देखिए, रनों की भूख बहुत ज़्यादा है उनमें, और ये उनका मैं कहूँगा पर्पल से भी डबल पर्पल पैच चल रहा है, जिसमें वो 5 शतक लगा दिए, बहुत बड़ी बात है, पहले ऐसा हुआ नहीं, और ये किसी भी भारतीय के लिए एक जो कहते हैं ना सम्मान वाली बात है। और आई फील सो हैप्पी, क्योंकि मैं उनके साथ काफ़ी क्रिकेट खेला भी हूँ, और मैं समझता हूँ कि इन रनों की अहमियत शायद ज़िंदगी में उनके लिए इससे बेटर किसी और चीज़ की अहमियत नहीं होगी। और आईपीएल उनका इतना अच्छा नहीं गया था, तो कहीं ना कहीं वो रन सेव कर रहे थे वर्ल्ड कप के लिए, और 5 शतक बनाए, और भूख जो है रनों की वो कम होती नहीं है। जैसे आपने कहा 30 के बाद भी वैसा ही रिएक्शन देखने मिलता है, जैसे कि 30 की आउट हो गए 20 रन बना के या 15 रन बना के, 5 शतक हो गए हैं बंदा, लेकिन अभी भी डटा हुआ है, क्योंकि हमें आदत होगी जब रोहित शर्मा 100 बनाते तो हम सोचते हैं कि 200 बनेगा, बट बहुत बड़ा योगदान है उनका भारतीय क्रिकेट के लिए, और यहाँ तक का सफर जीत जाएंगे, बल्लेबाजी करेंगे, तय किया है वर्ल्ड कप में। विराट कोहली का जिस शतक का इंतजार है और रोहित शर्मा की जिस डबल सेंचुरी का इंतजार है, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। लेकिन विक्रांत के पास सीधा चल रहे हैं लीड्स, क्योंकि वहां पर अब तो विक्रांत नाच गाना भी शुरू हो गया है, लग रहा है कि फाइनल का जश्न यही बन जाएगा। ओहो, अरे ये छोटे छोटे स्टार्स हैं हमारे, श्वेता छोटे छोटे बच्चे, मैं क्या जबरदस्त ढोल है, अंदर तो ढोल बजाया आपके बल्लेबाजों ने और बाहर यहाँ पर ये चल रहा है। सॉरी, अंदर ढोल बजा क्या है, बच्चों ने सब इंजॉय किया, आज पूरा दिन इंजॉय किया, हाँ दोनों ने, दोनों ओपनर ने ढोल, संघ भी है और ये घड़ा भी आ गया, जो वर्ल्ड कप लेके जाएगा वो श्रीलंका का लीड निकल गया, श्रीलंका का लीड, श्रीलंका का लीड निकल गया। वाह वाह वाह, एक मिनट मुझे थोड़ा आगे जाने देंगे, मैं छोटे छोटे बच्चों ये लीजिए, चलो भाई शुरू करें, रेडी गो, ये भंगड़ा आता किसी को, कोई करे तो सही भंगड़ा, अच्छा सा क्या बना, जगह बना, भंगड़ा करो, ये देखिए मजा आया मैच में छोड़े।
गुल्ला मैदान में कभी कभी जैसे नहीं सुनाई देता यहाँ पर। श्वेता आपको याद होगा ये ऑस्ट्रेलिया में पिछले वर्ल्ड कप में ये मटका लेकर गए थे, उसमें तो वर्ल्ड कप आया नहीं, इसमें आ जाएगा ना पूरा। इसमें वर्ल्ड कप जरूर आएगा इंडिया का, वर्ल्ड कप जरूर आएगा इंडिया का इस बार। जी जी जी, इंडिया जीतेगा वर्ल्ड कप, इंडिया जीतेगा। क्या हाल है जी? आओ आओ आओ, ये सुबह मुझे मिले थे, मेरे दोस्त हैं। अच्छा, सुबह ब्रेकफास्ट में इनसे मुलाकात हुई थी। इस मैच की इनको कोई टेंशन नहीं थी, श्वेता इनके पास टिकटें थी, इनको इनके पास फाइनल की भी टिकटें हैं, सेमीफाइनल की भी टिकटें हैं, खुद जान ही रहे हैं ये पब्लिकली नहीं बता रहे हैं, बता दिए जिनके पास टिकट है फाइनल की, बता नहीं रहे घर बैठे देखेंगे। नहीं यार आप ऐसे मत, अब आपने बोल दिया तो छुट्टी एक्सटेंड, छुट्टी एक्सटेंड ना, पक्का पक्का। फिर आप पहनो दो मिनट जाना है फाइनल देखने, पक्का 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 जाएंगे, पक्का जाएंगे, बस 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 पक्का जाएंगे। ओ पंडा साहब आ जाओ, आप भी आ जाओ, मैं मते हैं अभी आ गए। इतनी ठंड तो नहीं है यार? नहीं, गर्मी ज्यादा हो रही थी और तबीयत खराब हो रही ऐसा लगा, लेकिन रोहित शर्मा की 100 देखी तबीयत ठीक हो गई मेरी। अरे ये नई नई चीजें मैदान में सुनाई देती है कि तबीयत खराब थी, रोहित शर्मा की बैटिंग से तबीयत ठीक हो गई है, ये डॉक्टर और केमिस्ट की जरूरत ही नहीं है। नहीं, जंगल में जड़ी बूटी मिल जाती है, मैं जाके सो जाऊंगा। नहीं भाई मजेदार, लेकिन श्वेता जश्न तो मुझे लगता है अभी शुरू हुआ है, क्योंकि टीम ये जानती है, मतलब ये फैंस भी जानते हैं और टीम्स भी जानती हैं कि आप यहाँ पर इस मैच में एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब असली दो बड़ी लड़ाइयां अभी हैं। बहुत फाइनल लेके जाएंगे, मैं आपसे ले लेता हूँ, ये जादुई 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 मुकुट मैं ही पहन, जादुई मुकुट मैं ही पहन, मैंने जादू मुकुट पहन लिया, अब तो वर्ल्ड कप लेके जाएंगे, लेके जाएंगे, लेके जा सकता ना लेके जाएंगे, वर्ल्ड कप लेकर ही जाएंगे। श्वेता मैं आपको बता नहीं सकता, हम इतनी सी जगह में खड़े हैं, सिर्फ इतनी सी जगह में, और मतलब तादाद बढ़ती जा रही है ना। वैसे आमतौर पर एक दूसरे के ऊपर को चढ़े तो लड़ाई हो जाए, हो जाए क्रिकेट में तो, लेकिन ये सब हो जाता यहाँ सब कुछ है। ये मुकुट आप ही का है शायद जो मेरे सिर पे है? हाँ मेरा है। लेकिन आप तो क्रिकेट के इतने बड़े फैन हैं, आपने इतने वर्ल्ड कप भी देखे हैं, मुझे एक बात बताइए इस इंडियन टीम में खास चीज क्या है? बॉलिंग भी अच्छी है इस दफा, बैटिंग भी अच्छी है और फील्डिंग भी लाजवाब है। बुमराह एक तरफ, बाकी टीम एक तरफ है, जो इंडिया का पेस पेस अटैक है वो बहुत अच्छा है इस वर्ल्ड कप में, पहले इससे पहले कभी नहीं देखा हमने। ज्यादातर ऐसे लोग होंगे जो इंग्लैंड के नागरिक है, इंग्लैंड के सिटीजन भी होंगे, सच बताना झूठ नहीं बताना, इंडिया और इंग्लैंड का मैच होता है आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, इंडिया को ही करेंगे, इंडिया को, इंडिया। 90 के दशक में एक डेबिट टेस्ट हुआ था यहाँ पर, उन्होंने ये लॉर्ड डेबिट थे, उन्होंने श्वेता ये यहाँ पर एक पोल कराया था कि जो बाहर से लोग आते हैं जो यहाँ पर नागरिक भी बन जाते हैं वो अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करते क्रिकेट में, वो टेस्ट क्रिकेट में हुआ था। अगर डेबिट साहब लॉर्ड डेबिट देख रहे हो तो फिर से वो कहेंगे जो उन्होंने कहा था तब वो सच कहा था। इंग्लैंड के सिटीजन होकर भी इंडिया को सपोर्ट करते हैं, इंडिया को ही करेंगे, सभी सभी इंडिया को करेंगे, इंग्लैंड इंडिया लेके जाएंगे, इंडिया 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 जो कर दिखाया है आज, पांचवी सेंचुरी लगाकर रोहित शर्मा ने अपना दिखा दिया है। अभी तो सात होनी है, सात होनी है, हाँ, लेकिन पांच लगा दिए, सात होनी है। अच्छा एक बात बताइए सब लोग, हाँ, धोनी का तो जन्मदिन है कल, हाँ, हिंदुस्तान के हिसाब से उनका जन्मदिन शुरू होने वाला है, होने वाला है, थोड़ी बाकी है टाइम, थोड़ा बाकी है, तो उनको भी आप जश्न मनवाने का मौका दीजिए ना, जरूर जरूर कल एकदम होंगे, बस 1 घंटे 10 मिनट बाकी है उनके जन्मदिन को, इन्होंने घड़ी भी इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम पे रखी हुई है। वर्ल्ड कप को जब भी याद किया जाएगा रोहित शर्मा के उन शतकों के लिए भी याद रखा जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि भारत की जीत के साथ पैरेलल उनके रन्स चले हैं, उसकी वजह से भारत को जीत मिली। नहीं देखिए अहम भूमिका निभा रहे हैं रोहित शर्मा, देखिए उन्होंने
पाँच हंड्रेड बनाना और अपनी टीम को जिताना ये बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे आप के एल राहुल की बात कर रहे हैं उनका भी आज बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि देखिए जैसे अजहर कह रहा है कि एक हंड्रेड जब बन जाता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट हो जाता है। तो आप ये सोचे कि हाँ मैं बना सकता हूँ, नेक्स्ट हंड्रेड भी मैं बना सकता हूँ, थोड़े से अटके हुए थे बट आज निकल गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सेमीफाइनल फाइनल में अटके सीधे निकल जाए, सही समय पर रास्ता खुल गया उनका। लेकिन हरभजन, विराट कोहली से भी इसके बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन चल रहा था उन्होंने अपनी बातों को कहते हुए कहा कि 7-1 नहीं सोचा था कि इस तरीके से हम जीत कर पहुंचेंगे सेमीफाइनल में। लेकिन एक बहुत अहम बात उन्होंने कही है कि अगर हम खराब खेलें तो कोई भी टीम हमें हरा सकती है, अगर हम अच्छा खेलें तो कितनी भी मजबूत टीम सामने रहे। यानी सेमीफाइनल में किससे सामना करना है, इस सवाल पर विराट कोहली समझ रहे हैं कि उनकी टीम अच्छा खेलती रहे तो कोई सामने आ जाए उसे हरा देंगे हम। देखिए ये होता है कॉन्फिडेंस, और ये तभी आता है जब आप लगातार मैचेस जीतते हो, वो जो कॉम्बिनेशन बनता है आपका। और पिछले लगातार दो साल से हम देखते आ रहे हैं कि ये जितने प्लेयर वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं सबको बैक किया गया है, और शायद यही यूनिट वो चाहते थे कि ये लड़के होंगे जो वर्ल्ड कप में खेलेंगे। तो ये बहुत एक हेल्दी साइन है टीम के लिए कि जब वो अच्छा खेलते हैं तो डेफिनेटली सामने कोई भी आए वो परवाह नहीं करते, चाहे ऑस्ट्रेलिया आए या फिर न्यूजीलैंड आए या फिर इंग्लैंड आए। बट अगर ख़राब भी खेलते हैं ना तो भी इस टीम में वो मादा है कि वो हारे हुए मैच भी जीत के ले आते हैं अपनी तरफ। जैसे अफगानिस्तान वाला मैच था, वो लग रहा था कि मैच चला गया हाथ से, पर निकाल के ले आए अपनी तरफ। तो कहीं ना कहीं इस टीम में ना वो एक यकीन है, विश्वास है आपस में कि हम लोग कहीं से भी किसी भी पोजीशन से मैच जीत सकते हैं, चाहे बैटिंग करते हुए या फिर बॉलिंग करते हुए। मैं अजू भाई की बात सुन रहा था कि ओपनिंग पार्टनरशिप कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और ये अजू भाई से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है जो बता सकेगा आपको, क्योंकि ओपनिंग एक ऐसा स्लॉट होता है, आप फाउंडेशन सेट कर देते हो। और आज ऐसा ही हुआ कि ओपनिंग का जब वो पार्टनरशिप हुआ तो हमें आज शिखर धवन की भी याद नहीं आई, क्योंकि जब ऊपर से रन बन जाते हैं ना तो बीच का काम आसान हो जाता है। और जैसे अजू भाई ने कहा है कि गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स केएल राहुल के लिए बड़ा अच्छा होगा, उनके कॉन्फिडेंस के लिए बड़ा अच्छा होगा। और अगर ऐसे ही रन ऊपर से बन गए, दो मैचों की बात है, तो फिर भारत को रोक पाना मुश्किल होगा। फिर विराट कोहली जैसा कहते हैं, चाहे सामने ऑस्ट्रेलिया आए या इंग्लैंड आए वो मैटर नहीं करता है, भारत अगर अपना अच्छा क्रिकेट खेलेगा तो मुझे लगता है जो कप 14 जुलाई को हमारे हाथ में होगा। आमीन। यही हम कहेंगे। अभी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही सटीक रहे, क्योंकि दो मैचों में अपना सब कुछ झोंकना होगा। और विक्रांत, जिस तरह से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने, वैसे ये घंटी क्या है? ये घंटी है श्वेता, जो कि इंग्लैंड में पिछले 40 दिन से जिसका इंतजार था। आप बताइए घंटी किस चीज की है? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर स्पोर्ट्स तक जो हमारा यूट्यूब चैनल श्वेता उसके इतने फैंस हैं, और बोरिया ने इसको बड़ा फेमस कर दिया। वो जहाँ पर भी जाते हैं कहते हैं सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाई कि नहीं बजाई। आज घंटी आ गई है, घंटी ले आए हैं। वो कह रहे हैं स्पोर्ट्स तक सब्सक्राइब करने के साथ घंटी, घंटी भी फेमस हो गई है। आप अंदाजा लगाइए, ये घंटी फेमस हो गई है। बड़ी अच्छी बात यह है कि श्याम भाई की क्रिकेट आपकी टीम जीत रही है। देखिए हम ये कहते हैं कि इंडिया का फैन जो है वो क्रिकेट को बड़ा करता है, ये फैक्ट है। लेकिन आज फैन भी इस बात को जानते हैं कि इंडिया की टीम के साथ रहकर उसे जीत मिलने वाली है। वो वक्त भी था जब शब कभी हर बार आपको जीत नहीं मिलती थी, आज आप सुबह उठ के ये आपको टेंशन नहीं है, आपको पता है कि यार जीत मिलेगी। ये कॉन्फिडेंस बड़ा रेयर है। ये नहीं, जब 100 रन पे भी आउट होते हैं तब भी हम यही कहते थे कि वट एवर यू डू वी आर विद यू, अपने बच्चे सबसे अच्छे। हर अच्छी बात पे स्पोर्ट्स तक की घंटी बजा देंगे हम। अपने बच्चे सबसे अच्छे, अपने बच्चे, they have done, ये भी अपने बच्चे। हाँ बच्चे, सर इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा? इंडिया नहीं, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा बोलो। इंडिया वर्ल्ड कप, इंडिया बोलो, इंडिया इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। अच्छा ये छोटी घंटी बच्चे बताएगा। आप कहाँ पर आए हो? अच्छा लंदन में क्या देखने आए हो? कौन सा मैच? क्रिकेट
क्रिकेट के मैच ओके अच्छा कौन जीता आप घंटी बजा लो घंटी बजा लो स्पोर्ट्स तक की घंटी बजा दो अरे अब ये घंटी मुझे दे दो क्योंकि मुझे अभी आगे आने वाले 10 दिनों में स्पोर्ट्स तक की घंटी बहुत बजवानी है छम छमा छम वर्ल्ड कप ले जाएंगे हम वाह हम यहाँ पे जो बस बोरिया साहब को देनी थी मेरे मेरे भाई ने प्रॉमिस किया था उनसे वो वहाँ पे खड़ा है एक्चुअली कुछ भाई ने प्रॉमिस किया था बोरिया साहब को प्लान पक्का चेंज हो गया है आपने अभी बताया तो प्लान चेंज करना पड़ा ना तो डेफिनेटली प्लान चेंज आपने मेरी बात सुनी आपको यकीन नहीं था अब आपकी कंपनी ऐसी है मना कौन करेगा आपको ये आज तक की कंपनी है जिस प्यार से आपने आज सुबह आप हमसे मिले अब आज उसका साथ और बन आज तक और हमेशा अरे वाह हमेशा श्वेता फ्री में पब्लिसिटी हो रही है आज तक की भी ब्रांड ये क्या कह रहे हैं सबसे आगे सबसे आगे आज तक सबसे आगे सबसे आगे तो होना ही है सारी अच्छी टीम सारी अच्छी ब्रेन आपने सबसे आगे आज तक नंबर 1 एक और घंटी आपके नाम पे नंबर 1 न्यूज़ चैनल हरभजन आपके पसंद का कौन सा ऑपोजिशन रहेगा सेमीफाइनल के लिए देखिए मैटर नहीं करेगा न्यूजीलैंड आए या इंग्लैंड आए या ऑस्ट्रेलिया आए पर हम तो ये चाहते हैं कि न्यूजीलैंड आ जाए तो थोड़ा सा हल्का टीम है पर भारतीय टीम इस टाइम ये नहीं सोच रही होगी कि सामने कौन आएगा क्योंकि विराट कोहली ने भी बोला है कि सामने कौन सी टीम आए कैसे खेले उससे हमें मतलब नहीं है हम कैसी क्रिकेट खेलते हैं उससे हमें मतलब है और जिस लिहाज से भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेल रही है उनको रोक पाना मुश्किल है वो एक आध मैच हो गया इंग्लैंड के सामने जो हमें लगा था कि जो हमें शायद जीत सकते थे वो भी मैच बट दोबारा वैसा होना बड़ा मुश्किल है किसी भी टीम को भारत को अगर हराना है तो दे विल हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन और जो ऐसा मुझे कि दूसरी टीमों में लगा नहीं है कि दमखम है कि भारत को हरा पाए तो इसलिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कौन आए सामने ये सोचना चाहिए कि 9 तारीख को हमने फ्रेश मैच खेलना है और बिल्कुल फ्रेश रहना है बॉडी वाइज जो है वो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इंजरीज नहीं होनी चाहिए किसी प्लेयर को और जो ये 11 खिलाड़ी हैं ये ना टोटल इंजरी फ्री मैदान पे उतरने चाहिए और अगर वैसा होगा तो मुझे नहीं लगता है न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड भारत को रोक पाएगी और विक्रांत इसीलिए हम कह रहे हैं ना आज तक पर कि इंग्लैंड हो या न्यूजीलैंड सबकी बजेगी बैंड सेमीफाइनल में सबकी बजेगी घंटी आज जो है वो घंटी है श्वेता आज घंटी है लेकिन नहीं हरभजन ने बात तो सही की अगर आप मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम तो आपके पास है ना आप आखिरी लीग मैच में इस तरह से फिनिश करते हैं ऑब्वियसली तो मोमेंटम इज विद यू न्यूजीलैंड देखिए एक ऐसी टीम है जो डेंजरस हो सकती है आईसीसी टूर्नामेंट्स में अक्सर वो आखिर तक जाती है लेकिन उनकी परफॉर्मेंस डिप की है और अगर आप कहने को हम कह सकते हैं कि कोई भी आ जाए और फैक्ट है आपकी टीम तैयार होनी चाहिए लेकिन अंदर से तो दिल से हम चाहते हैं कि न्यूजीलैंड ही आए क्यों जी चला न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड अगर आप न्यूजीलैंड को खेलते हैं थोड़ा कंपैरेटिवली इजी लगेगा बिकॉज इंग्लैंड से आप हार के आए हैं और उसी मैदान पर जो भी है आपको ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं लेकिन आप श्वेता भज्जू से पूछिए वो वक्त पे पहुंच जाएंगे ना मैनचेस्टर बॉम्बे से फ्लाइट लेके सीधा सा और दूसरा इन्होंने बोल दिया पहले मैं पहुंच जाऊंगा और दूसरा ना एक और फायदा है अगर आपको पहले मैच आप सेमीफाइनल खेलते हो तो आपको टाइम मिलेगा फाइनल खेलने के लिए आपके पास 2 या 3 दिन और अतिरिक्त मिल जाएंगे तो जो आपके लिए अच्छा होगा तो हम चाहते हैं कि भारत मैनचेस्टर में खेले पहला सेमीफाइनल खेले जो कि 9 तारीख को होगा उसके बाद सेमीफाइनल के बाद 14 तारीख को फाइनल है उसके बीचों बीच काफ़ी लंबा समय है जो भारतीय टीम को मिल जाएगा बॉडी की रिकवरी के लिए जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि लगातार जब आप मैचेस खेलते हो बॉडी थकती है तो कहीं ना कहीं फ्रेश जाना बहुत इंपॉर्टेंट है गेम में तो 9 को खेलना मुझे लगता है इंपॉर्टेंट होगा मैनचेस्टर में मुकाबला हो सामने न्यूजीलैंड हो तो बहुत अच्छा ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट 9 के बाद जो हमें टाइम मिलेगा रिकवरी का वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वर्ल्ड कप के फाइनल खेलने से पहले हरभजन आपके हिसाब से 5 कौन से खिलाड़ी लेकर आप खेलेंगे गेंदबाजी में सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं टीम ने देखिए मैं 2 स्पिनर खिलाऊंगा कुलदीप यादव को खिलाऊंगा और चहल को खिलाऊंगा और साथ में बुमराह और शमी ये 2 सीमर तो पक्का खेलेंगे और 5वें जो मेरे बॉलर होंगे फास्ट बॉलर वो हार्दिक पांड्या होंगे और जो 6ठे बॉलर होंगे ना वो रविंद्र जडेजा होंगे आपके तो मेरी टीम में
मैं भुवनेश्वर कुमार की जगह पे रविंद्र जडेजा को अहम जो है उनसे पहले खिलाऊंगा, क्योंकि दो फास्ट बॉलर शमी का खेलना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने बहुत विकेटें ली हैं और अच्छी फॉर्म में है। बुमराह को आप रिप्लेस नहीं कर सकते और दो स्पिनर इनके न्यूजीलैंड के साथ सामने खेलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्पिन को उतना अच्छा खेलते नहीं है और कहीं ना कहीं आपके पास एक गुंजाइश है। अगर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा में से आप चुन सकते हो किससे ज़्यादा ओवर करवाने हैं, किसका दिन उस दिन ज़्यादा बेटर है। पर मान लीजिए इंग्लैंड हो सामने, फिर दो स्पिनर्स नहीं जी, मैं तो खिलाऊंगा, दो स्पिनर खिलाऊंगा। मैं इंग्लैंड के सामने भी दो स्पिनर खिलाना चाहूंगा क्योंकि देखिए वो उस दिन रन चले गए दोनों स्पिनरों को बहुत ज़्यादा, 20 ओवर में 170-180 के करीब, बट ये बार बार नहीं होगा और उस प्रोसेस में उस दिन इंग्लैंड के बल्ले से लगते ही चले गए, बट ऐसा बार बार नहीं होगा। वो उस प्रोसेस में हो सकता है पहला ही हिट मारने जाएं आउट हो जाएं और वही ये करते हैं दोनों जो बॉलर जब बीच में आके बॉलिंग करते हैं या विकेट चटकाते हैं, इन्हीं के कारण श्वेता हमने बहुत सारे मैचेस जीते हैं, ये नहीं भूलना है हमें। और एक आध मैच किसी का भी ख़राब हो सकता है और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि ये दोनों ने काफ़ी सबक सीखा होगा और वापसी जब करेंगे चाहे इंग्लैंड के सामने ही करें तो मुझे इस बार पता है इस बार मार नहीं खाएंगे, इस बार उल्टा उनको जो कहते हैं ना पलटवार करेंगे विकेट लेके। वैसे भी चैंपियन टीम वो होती है जो अपनी गलती से सीखे, गलती को दोहराए नहीं, और टीम इंडिया में कम से कम ये प्रतिभा तो जरूर नजर आती है। विक्रांत वैसे तो लगातार आप बातचीत कर ही रहे हैं अपने फैंस, जो तमाम टीम इंडिया के फैंस वहां पर हैं, लेकिन जो पोस्टर्स हैं बड़े दिलचस्प है, कहीं महेंद्र सिंह धोनी दिखते हैं तो कहीं कपिल देव की तस्वीर भी दिख रही है। विक्रांत नहीं, इन्होंने कपिल पाजी के लिए एक मैसेज है वो बता दीजिए ना। कपिल देव सर, आप 1983 में कप लेके गया, अभी हम लोग इधर से लेके आएगा आपके लिए, स्पेशली आपके लिए कपिल देव सर, ऑलवेज आई सैल्यूट यू बिकॉज यू आर द फर्स्ट पर्सन टू लिफ्ट द ट्रॉफी ऑफ विराट। दूसरे अभी माय फेवरेट माय बिगेस्ट विराट कोहली, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ विराट कोहली। 1983 2019 हमारा इंडियन आर्मीज को डेडिकेट करता, कम ऑन इंडिया। अभी अभी क्या हुआ श्वेता, उन्होंने बोला कि लॉर्ड्स में क्या था, लॉर्ड्स में क्या होगा फिर तिरंगा। तो इनको आज तक के प्रोग्राम का पता है, लॉर्ड्स में फिर लहराओ तिरंगा है। श्वेता ब्रांडिंग आपने खूब जबरदस्त की है, पहले से पता था। फिर ऑलवेज ऑलवेज में मेरा तिरंगा मेरा बॉडी पे ऊपर रखा, जय हिंद वंदे मातरम। इंडिया जीतेगा 2019। 70,313 बंदे हैं जिसने ये पिछले 15 मिनट में बोला है कि वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा। और एक स्पेशल मैसेज मेरा तरफ से, नॉर्मली हम लोग दीपावली दिवाली नवंबर अक्टूबर में करेगा, ये मंथ में दिवाली एडवांस सेलिब्रेशन करेगा। जबरदस्त लाइन है बोल रहे हैं। One point is missing here. In single World Cup, there is a world record that single batsman. सही में? Single God. वाह सर वाह, वर्ल्ड रिकॉर्ड पांच सेंचुरी। यस, पांच सेंचुरी सिंगल वर्ल्ड। तो पांच ही रहेंगे, सात होंगी? नहीं नहीं, सात क्या, दस भी हो सकती है। दस कैसे हो जाएंगे, मैच तो दो ही है। मैच दो है ना, तो डबल सेंचुरी हो जाएगी एक मैच। ये बड़े बड़े, जब आपका बेटा बड़ा होगा ना, एडवांस आप भी बढ़े तो फुटेज जो है उसको हर जन्मदिन पे दिखाएंगे। इसने आप कहेंगे बेटे जब छोटे थे तो आज तक आप 45 मिनट के लिए लाइव आए। ये आज तक का ही फैन है और ये क्रिकेटर्स का फैन है। क्या आगे बड़े होकर क्रिकेटर बनना है? चलो ठीक है, मैं हिमांशु। और यूएस वालों को भी आज तक के लिए अब यूएस है। हाँ जी, न्यूयॉर्क की टिकट है। फाइनल की नहीं है, आज की टिकट है। मेरे दोस्त यहीं पे ही घूम रहे हैं जिनके पास फाइनल की टिकट है। श्वेता श्वेता देखिए, हम आप ढूंढते हैं ना 1983 फाइनल किसने देखा था, बहुत कम लोग हैं, इनके पास टिकट है। यू कुड बी द वन। आई हैव टिकट्स फॉर ऑल ऑफ इंडियाज मैचेस। I'm going Old Trafford on Tuesday because Australia's losing. I'm there on the final and Kohli is lifting that trophy. Batao, inke paas final ki ticket hai. You know, you've got to be in. People have got to be envious of you. So, I tell you, I've been offered £15,000. Oh!
15,000 pounds की टिकट ऑफर है अगर ये बेच दे फाइनल की. But I'm not selling because money I can't earn. That's the spirit. पंद्रह हजार पाउंड 13 लाख रुपए कह रहे मुझे ऑफर है पर मैं टिकट नहीं दूंगा किसी को. इंडिया जीतेगा, इंडिया न्यूजीलैंड को हराएगा सेमीफाइनल में और फिर फाइनल में जाके इंग्लैंड को हराएगा. न्यूजीलैंड को हराएगा. एक न्यूजीलैंड बच गया था बिकॉज वो वॉश आउट हो गया था. हिमांशु ये देखिए तो टीम इंडिया के इन तमाम फैंस के बीच विक्रांत बार बार खो जा रहे हैं लेकिन हम अपनी चर्चा क्रिकेट के बारे में भी जारी रखे हुए हैं. अजर कॉन्फिडेंस फैंस का तो हमेशा ऐसे ही रहता है. बड़ी बात यह भी होती है कि जब टीम थोड़ा सा भी खराब परफॉर्म करती है तब आपको ऐसे ही रहना चाहिए अपनी टीम के साथ, जो कि इंडिया के फैंस कम से कम इस वर्ल्ड कप में इस तरह का सपोर्ट टीम इंडिया को जरूर मिल रहा है. एक क्या ऐसा आप फील कर रहे हैं कि सेमीफाइनल जाने से पहले मिडिल ऑर्डर का जो टेंशन थी वो पूरी तरीके से सेटल नहीं हो पाई है? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए मिडिल ऑर्डर को दो तीन मैच में तो मैच बैटिंग आ रही नहीं उनकी, तो उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते. लेकिन जो भी आज बैटिंग हुई मैं समझता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 3-4 बैट्समैन ही स्कोर करें क्योंकि ऑलरेडी ये इनफॉर्म प्लेयर्स है. लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ उल्टा सीधा होगा तो मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को तो करना पड़ेगा. जैसा कि लास्ट मैच में हमने जहाँ पे 2-3 विकेट जल्दी गिर गए थे तो बट रन तो बनाने ही पड़ते, बैट्समैन को रन करना ही पड़ता क्योंकि बैट्समैन का काम है कि रन करना. क्योंकि ठीक है डॉट बॉल खेलना ठीक है बट आप उतने ज़्यादा भी डॉट बॉल नहीं खेल सकते जहाँ पे आप रन वहीं के वहीं हैं, फिर आप स्कोर नहीं कर सक रहे, फिर विकेट गिर जाएंगे तो रन उतरे रहेंगे. तो मैं समझता हूँ कि जो भी प्लेयर आते हैं अपना नेचुरल एबिलिटी से नेचुरल गेम खेला. देखिए रोहित शर्मा इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो अपना नेचुरल गेम खेलते हैं. कभी भी उनको अगर लगता है कि जहाँ पे मारना है वहाँ बिल्कुल मारते हैं, जहाँ पे नहीं मारना है वहाँ बिल्कुल रुका लेते हैं. क्योंकि आज राहुल ने भी बिल्कुल अपना नेचुरल गेम खेला तो उसी वजह से उनको कामयाबी मिली. जाके दबके फंसके अगर आप खेलेंगे जो आप ऐसी चीज़ करेंगे जो आप कर नहीं सकते, जो आप नेचुरल आपकी एबिलिटी है, रन बनाने की एबिलिटी है, अगर आप रुकाने जाएंगे ज़्यादा रुक के खेलेंगे तो फिर आप बिल्कुल अलग कर रहे हैं नेचुरल एबिलिटी से, बिल्कुल अलग कर रहे हैं, इसी वजह से आप आउट हो जाते हैं. तो मैं समझता हूँ कि जितना भी अगर इंडियन टीम जो भी है पूरा अगर नेचुरल गेम खेलेगी तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फिर आगे कोई टीम नहीं टिक सकेगी. जहाँ तक कि मेरा नहीं, देखिए मिडिल ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जैसे हमारे ओवर 1-2-3-4 के रन बना रहे हैं. पर मैं समझता हूँ कि जब सेमीफाइनल फाइनल मैच होते हैं तो आपका माइंड सेट बिल्कुल चेंज होता है. देखिए ये बहुत बड़े मैचेज होते हैं, जितना बड़ा प्लेयर उतना, जितना बड़ा मैच उतना बड़ा प्लेयर. आप ये किसी को कमज़ोर नहीं आ सकते, एम एस धोनी को कमज़ोर नहीं आ सकते. बड़ा मैच है उसको भी मालूम है बड़ा मैच है वो, यू माइट सी हिम ए डिफरेंट एम एस धोनी. उसके साथ बाकी जो प्लेयर है वो भी चाहेंगे कि मैं भी अपना आपको हाईलाइट करूं. क्योंकि देखिए यही सारे जितने भी हमने मैचेस पीछे खेले हैं वो अलग बात है. अब जो सेमीफाइनल फाइनल के जो मैचेस हैं इसमें अपने आप को हाईलाइट करना बड़ा जरूरी रहता है. तो आप देखेंगे डिफरेंट एटीट्यूड देखेंगे मिडिल ऑर्डर में भी, और हमारा मिडिल ऑर्डर भी जो है मेरे को लगता है कि कामयाब होगा. क्योंकि जितने भी खिलाड़ियों को मौका मिला है हरभजन वो सारे आए हैं और सबने परफॉर्म करके दिखाया है. लेकिन ये जो मिडिल ऑर्डर की बात है वो थोड़ी ऐसी दिलचस्प हो जाती है कि शमी और भुवनेश्वर में जब चॉइस होता है तो आप सोचते हैं कि भुवनेश्वर जो है वो रन बेहतर बना सकता है तो हम उसे खिला लें. क्योंकि इंडियन टीम की बैटिंग डीप भले ही है लेकिन अभी मिडिल ऑर्डर का एक सवाल साथ रह जाता है. देखिए ये सवाल हम पहले दिन से इसका जिक्र करते आ रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर रन नहीं बना रहा है. पर जैसे मधीपा जी ने बोला है कि हम भी यही दुआ करते हैं कि ऊपर से रन बनते चले आएँ तो फिर मिडिल ऑर्डर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट हाँ एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन आप 2 आउट हो जाते हो ऊपर से या 3 आउट हो जाते हो उस दिन फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी मिडिल ऑर्डर में, चाहे महेंद्र सिंह धोनी की बात करें या ऋषभ पंत की बात करें और या फिर उनके बाद हार्दिक पांड्या की बात करें. तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी टीम को लेके जाएं 250 260 270 तक. और हमें पता है कि जैसी हमारी बॉलिंग है वैसे में हम 260-270 को भी डिफेंड कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि टीम में यकीन भी होगा. ऐसा नहीं है कि अकेले रोहित शर्मा के बलबूते पे या फिर विराट कोहली के बलबूते पे ये टीम आगे बढ़ी है. कहीं ना कहीं सबने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है. हाँ रोहित का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है, 500 बना दिए हैं और हम चाहेंगे कि छठा भी बने और सातवां भी बने. बट अगर वो नहीं बनता है तो somebody else will step in और do the job for टीम इंडिया. क्योंकि इस टीम में विश्वास है, इस टीम में वो
भरोसा है आपस में कि अगर आपका दिन नहीं है तो मैं अपना दिन बनाऊंगा, अगर मेरा दिन नहीं है तो मेरे साथ वाला लड़का जो है वो अपना दिन बनाएगा, ये यकीन होता है प्लेयरों में जब आप लगातार इकट्ठे इतने साल क्रिकेट खेलते हो और ऐसा कैंपेनिंग जिसमें आपने टॉप किया हो तो ये यकीन अपने आप आ जाता है। और आप देखेंगे आप वही यकीन जो भी प्लेयर आता है अंदर, आज रविंद्र जडेजा अंदर आए हैं उनमें भी वो यकीन नज़र आया कि हाँ मैं अंदर आया हूँ, मैं काबिल प्लेयर हूँ, मैं आके अच्छा करूँगा और अच्छा किया। तो ये जो कहते हैं ना खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, वो सही कहावत है। अगर ऊपर से खरबूजा रोहित शर्मा है ना हमारा, उसको देख के सब रंग पकड़ रहे हैं। मैं प्लेयरों बैटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉलिंग की भी। अगर जसप्रीत बुमराह ऊपर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनको देखते देखते स्पिनर्स और जितने भी बॉलर हैं तमाम बॉलर उन्होंने बहुत अच्छा किया है। ये कमाल का कैंपेनिंग रहा है इंडियन टीम का और ये विश्वास है और इंडियन टीम का कि कोई भी दो खिलाड़ी जो है वो भारत को मैच जिता सकते हैं अपने दिन पे, चाहे वो बैटिंग की बात करें या बॉलिंग की। अभी तक मिडिल ऑर्डर ने वो किया नहीं है, बट हो सकता है आगे आने वाले मैचेस में वो करके दिखाएं।